नमस्कार दोस्तों, स्माइल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसी महिला को भूल कर भी ना दें ये चीज, वरना जिंदगी भर रहेंगे कंगाल। कौन सी है वो चीज, आइए जानते हैं। दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और हर दिन ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम आपको बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री को लक्ष्मी का रूप कहा गया है, इसीलिए किसी पुरुष को स्त्री को गाली नहीं देनी चाहिए। स्त्री को अपशब्द कहने वालों से देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और वो इंसान जिंदगी भर पैसों के लिए तरसता रहता है। वहीं दोस्तों शादी का फैसला जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। यह फैसला दो लोगों की जिंदगी बदल देता है। सही साथी का चुनाव सबसे मुश्किल काम होता है। यदि आप लव मैरिज कर रहे हैं तो ठीक है, वरना अरेंज मैरिज करने वालों के लिए सही साथी का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों गलत इंसान के साथ शादी होने पर व्यक्ति मन ही मन पछताता रहता है और आखिर में किसी गलत काम को अंजाम दे देता है। वो बाहरी लोगों में अपनी खुशी ढूंढने लगता है। कई बार वो नाजायज संबंध बनाने से भी चूकता नहीं है, लेकिन शास्त्रों की माने तो कुछ स्त्रियों से पुरुषों को भूल कर भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। कौन है वो स्त्रियां, आइए जानते हैं। नंबर एक, अविवाहित स्त्री। दोस्तों शास्त्रों की माने तो एक पुरुष को कभी भी अविवाहित स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए, इसे पाप का दर्जा दिया गया है। एक पुरुष को शादी करने के बाद ही एक स्त्री से शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती या कुंवारी लड़की से संबंध बनाता है तो उसे उसके साथ शादी ही करनी चाहिए। नंबर दो, विधवा स्त्री। दोस्तों पुरुष को विधवा स्त्री से भूलकर भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि गलती से ये हो जाए तो उसे फौरन उस स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में ऐसे संबंध को घोर पाप बताया गया है। नंबर तीन, ब्रह्मचार्य का पालन कर रही स्त्री। दोस्तों ब्रह्मचार्य का पालन कर रही स्त्री या फिर ऐसी स्त्री जो किसी कठोर तपस्या में लीन हो, भूल कर भी उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने पर स्त्री की तपस्या भंग होगी, जिस वजह से आप महापाप के भोगी बन सकते हैं। नंबर चार, दोस्त की पत्नी। अपने दोस्त की पत्नी के बारे में गलत सोचना और उस पर बुरी नजर रखना बहुत ही गलत है। दोस्त की पीठ पीछे उसकी पत्नी से संबंध बनाना पाप के समान है। अपने दोस्त की पत्नी को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। नंबर पांच, दुश्मन की पत्नी। दोस्तों दुश्मन की पत्नी को कभी भी अपने करीब नहीं लाना चाहिए। उसके साथ किसी भी प्रकार का संपर्क या फिर शारीरिक संबंध पाप के बराबर है। ऐसी स्त्री को अनदेखा कर देना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों नंबर छह है, शिष्य की पत्नी। दोस्तों गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए अपने शिष्य की पत्नी के साथ कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में इसे महापाप का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों नंबर सात है, नशे में डूबी हुई स्त्री। दोस्तों नशे में डूबी हुई स्त्री के साथ कभी भी संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री ने किसी कारण से अपने होश को खो दिया है उसके साथ संबंध बनाने से बचें। दोस्तों नशे में फायदा उठाने वाले व्यक्ति को महापापी कहा गया है, इसलिए आप यह गलती कभी भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको मिलती रहें